बारिश का मौसम हो और साथ में पकौड़े और चाय हो तो एकदम पकौड़े खा के तो एकदम मजा आ जाता है। देख सकते हैं एकदम कितना बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम पकौड़ा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं आज, क्योंकि बारिश भी हो रही है, साथ में आज धान का रुपाई भी हो रहा है पहले दिन का। तो आज हमने बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं, एकदम मजा आ जाएगा आज खा के। तो ये देखिए हमने आलू चप भी बनाए हैं और लौकी का पकौड़ा भी बनाए हैं और साथ में प्याज का पकौड़ा भी बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार मेरे साथ आप भी खाइए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पूजा पूनम की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे रसोई में बन रहा है दो तीन टाइप के पकौड़े, क्योंकि आज हमारे यहाँ धान का बोनी हुआ है। तो पहला दिन जब बोनी होता है तो ये सब पकौड़ी बनता है यहाँ पे। तो चलिए पहले हम बनाएंगे आलू चप के लिए, आलू तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए है उबले हुए आलू, इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया है। तो इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा गोलकी जीरा पाउडर और थोड़ा सा जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, इसे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, स्वाद अनुसार हमारा जाएगा इसमें नमक, नमक हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि घोल में भी हम नमक डालेंगे। तो इन सारी चीजों को डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें जाएगा अजवाइन, अजवाइन से भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके हम डाल देंगे, इन सारे चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाला तो हमने ऐसा तैयार कर लिया है, तो चलिए अब इसका हम घोल तैयार करते हैं। तो घोल बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी बेसन, और इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से छन्नी से हम छान लेंगे। तो देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसमें जो अगला चीज आएगा वो है चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आरारोट पाउडर ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, लेकिन चावल के आटा से ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो अब इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और थोड़ा सा जाएगा इसमें गोलकी जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब जाएगा इसमें जीरा, जीरा से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सारे चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे, न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा, इसका परफेक्ट एक घोल तैयार करेंगे हम। तो देखिए बिल्कुल हमारा इस तरीके का घोल होना चाहिए, आप देख सकते हैं न ज्यादा गाढ़ा है न ज्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट घोल हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसी घोल में हम दो चीज बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे आलू चप और दूसरा बनाएंगे ये लौकी का बजका। तो ये लौकी हमने इसका छिलका उतार के धो के और अच्छे तरीके से इसको हमने काट लिया है, तो इसको भी हम इसी घोल में बनाएंगे। तो अब इसको हम साइड कर देते हैं और अगला जो पकौड़ी बनाएंगे वो हम बनाएंगे प्याज का पकौड़ी। तो प्याज का पकौड़ी बनाने के लिए हमने प्याज को एकदम महीन काट लिया है, बारीक देख रहे हैं लंबा लंबा। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब हमारी हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च डाले हैं इसलिए कम तीखा वाला मिर्च ही डालें, थोड़ा सा इसमें जाएगा गोलकी जीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा, स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नमक हम बाद में डालेंगे इसलिए कि प्याज हमारा पानी छोड़ता है। और अब इसमें हम जो अगला चीज डालेंगे वो है बेसन बाइंडिंग के लिए, और थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, इसे एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगा, एकदम कुरकुरा बनके तैयार होगा, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज में पानी ऑलरेडी होता है, तो इसको हम पहले मिला लेते हैं
अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो प्याज का जो पानी है अपने आप छोड़ देगा, तो बेसन और प्याज दोनों बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो बेसन कम ही डालें, नहीं तो प्याज कम और बेसन ज्यादा लगने लगेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से बेसन डालें कि हल्का ही रहे, क्योंकि प्याज का पकौड़ा है तो प्याज तो इसमें दिखना जरूरी है, तो इसलिए बेसन कम ही डालें। बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी बन के ये रेडी होता है। तो इस तरीके से मिक्स कर लें। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से कोट हो चुका है, तो अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तो सबसे पहले हम आलू का जो मसाला बनाए थे उसका हम टिक्की बना लेंगे। इस तरीके से गोल गोल करके इसका टिक्की तैयार कर लेंगे पहले। तो ये देखिए हमने अपने सारे टिक्की को बना के तैयार कर लिया है, तो चलिए इसका फ्राई करते हैं। तो देखिए इधर कढ़ाई में हम तेल चढ़ा दिए थे और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हल्का गर्म हुआ है, थोड़ा सा इसे और गर्म करने देंगे। तेल हमारा हाई फ्लेम में गर्म होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये जो चप है बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही कुरकुरा बनेगा। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो घोल बनाए थे तो इसमें टिक्की हम इस तरीके से डुबाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे टिक्की को इसमें डालते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए एक बार में कढ़ाई में जितना आटे उतना ही डालिए और नीचे से थोड़ा सा इसे सिक जाने देते हैं, इसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो देखिए नीचे से सिक चुका है, तो इसको हम पलट लेते हैं। इस तरीके से पलट के इसको दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इतना बढ़िया इसका गोल्डन कलर आया है एकदम, इतना टेस्टी है खाने में लगता है ना, ठेले वाले बनाते हैं आलू चप बहुत ही टेस्टी लगता है, तो उसी चीज को आज हम घर में बनाए हैं। आप देख सकते हैं, आपको नजदीक से दिखाते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है, तो इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे आलू चप बन के रेडी हो चुके हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए आलू चप तो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, तो दूसरा चीज बनाएंगे लौकी का पकौड़ा। तो इसी घोल में, जो घोल हमने पहले से बना के रखे थे, इसी घोल में हम लौकी का पकौड़ा बना लेंगे। तो इसी तरीके से इसको भी हम इसमें डिप कर लेंगे और इसको भी इसमें हम डालते जाएंगे। लौकी हमारा कच्चा है, तो इसका इसको थोड़ा सा हम स्लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अंदर से कच्चा ना रहे। आप चाहे तो लौकी को हल्का सा बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारा लौकी जो था एकदम खींचा था, अजू था, तो इसलिए हमने इसका फ्राई नहीं किया, उबाला नहीं है, इसको सीधे फ्राई कर दिया है। तो ये देखिए अपने ही ऊपर आ रहा है, इसको हम पलट लेंगे। बहुत टेस्टी होता है लौकी का पकौड़ा, तो एकदम टेस्टी होता है, हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। तो इस तरीके से इसको पलट लेंगे और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप नजदीक में होते तो आपको हम जरूर खिलाते। तो देखिए इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सारे लौकी के पकौड़े बनके हो चुके हैं रेडी, तो इसको भी अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आवाज आप सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बना है ये, और नर्वस मत होइएगा क्योंकि हमारे पड़ोसियों का आवाज है, बाहर में लोग थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इसलिए आवाज आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों आलू और लौकी के पकौड़े तो बन गए, तो अब हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। तो देखिए इसमें पानी बिल्कुल हम नहीं डाले थे, एकदम बढ़िया सा बन गया है, पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी है। प्याज क्या होता है कि पानी छोड़ता है, तो पानी छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम प्याज का पकौड़ा बनाते हैं। तो इसको इस तरीके से उठाएंगे, आप देख सकते हैं, और तेल में डालेंगे। तो इस तरीके से सारे पकौड़े को डालते जाएंगे।
बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए आपको बना के हम दिखाते हैं कितना क्रिस्पी होता है, कितना टेस्टी लगता है एकदम। तो प्याज के पकौड़े हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तब बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी होता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सब ऊपर आ गया है अब। तो ये देखिए दोस्तों प्याज के पकौड़े हमारे कितना बढ़िया कलर है, कितना बढ़िया है बन के तैयार हुआ है, एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से सारे प्याज के पकौड़े को हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सारे पकौड़े एकदम बन के हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है ये। ये हमारे आलू चप है, आपको तोड़ के दिखाते हैं, एकदम मजा आ जाएगा खा के। और ये है हमारे प्याज के पकौड़े, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है ये। तो एक बार मेरे तरीके से आप भी बना के जरूर ट्राई कीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।